क्योंकि मैं प्यार करदा हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज वाली वीडियोज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप इस बाइक के जैसे अपने रील्स वीडियो में कैसे पार्टिकल इफेक्ट लगा सकते हो और कैसे अपनी वीडियो में सर्किल इफेक्ट लगा सकते हो। तो गाइज, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूँ और सब कुछ एडुजेड बताने वाला हूँ, और वो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पर बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, तभी जाके वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे हिट कर ले, क्योंकि जब भी मैं मेरे चैनल पे न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो गाइस चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वीडियो की पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस चलिए। सो गाइज, इस तरीके का रील्स वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पे से एक VPN को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज, उसका नाम है ट्रूबो VPN। तो गाइज, आपको सिंपली से प्ले स्टोर से मिल जाता है, आप इसलिए जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, मैं ऐसे इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे टैप टू कनेक्ट पे ओपन कर लेना है नेट कनेक्शन डाटा को ऑन करके, ठीक है। टैप टू कनेक्ट पे ओपन कर लेना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों कनेक्टेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप वेट कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे कनेक्टेड हो जाने के बाद दोस्तों मुझे डायरेक्ट बैक कर देना है। इसको बैक कर लेने के बाद दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन है मेरा कैपकट। तो गाइस, मुझे कैपकट एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ स्कूल के सामने आता है। तो गाइस, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों वीडियो वाले ऑप्शन पे जाके नीचे जो भी आपको वीडियो एडिट करना हो उस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं ये वाला वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों ये वीडियो मेरे सामने आ जाता है। तो गाइस, मुझे सिंपली से लाइस्टर में चले जाना है और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है और इसका ऑडियो है उसको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद दोस्तों ऑडियो पे क्लिक कर देना है, साउंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से एक साउंड को सिलेक्ट करना है। तो गाइस, उसके लिए मुझे फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा साउंड फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ये ऊपर की ओर आ जाना है और यहाँ पे 11 सेकंड वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइस, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, बिजली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो उसके बाद मुझे यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो को ऑडियो को ऐड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे लाइस्टर में चले जाना है और यहाँ से वीडियो को यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर देने के बाद दोस्तों मुझे फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ से मुझे फ्रीज कर देना है। इसको फर्स्ट पार्ट को फ्रीज कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों ओपन करके देखना है कि फ्रीज कौन सा पार्ट हुआ है। तो गाइस, जो फ्रीज नहीं हुआ उस वीडियो को मुझे डिलीट कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये पार्ट फ्रीज हो चुका है। इसको हो जाने के बाद दोस्तों मुझे स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मुझे पार्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पार्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। तो गाइस, आपको ये पार्टिकल इफेक्ट यहाँ पे कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे लोडिंग लेगा, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इफेक्ट लग चुका है हमारे वीडियो के अंदर। तो गाइस, मुझे यहाँ पे दूसरे पार्ट में आ जाना है और एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्प्लिट और कर देना है, तीन पार्ट कर लेना है वीडियो के। तो गाइस, मुझे दूसरे पार्ट में आ जाना है, एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। एनिमेशन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों इन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये रॉक वाला इफेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है और यहाँ से डन कर देना है। डन कर लेने के बाद दोस्तों ये इफेक्ट लग जाता है अपना वीडियो में, आप देख सकते हो। तो गाइस, मुझे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। सॉरी, मुझे बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना होगा और ट्रेंडिंग में चले जाना होगा। ट्रेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आपको एक इफेक्ट नजर आएगा। तो गाइस, ये वाला है वो इफेक्ट, ये वाला है। तो गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा वीडियो पे लग जाता है इफेक्ट कुछ इस प्रकार से, सर्किल वाला। तो गाइस, मुझे अगले वीडियो में आ जाना है, अगले पार्ट में आ जाना है। एनिमेशन पे क्लिक कर देना है
एनिमेशन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों इन पे क्लिक कर देना है और लाइस्टर में चले जाना है। लाइस्टर में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम के बाद ये लोडिंग हो जाता है इफेक्ट, तो गाइस ये वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे फिर से यहाँ से बैक कर देना है, बॉडी इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से मुझे ट्रेंडिंग पे क्लिक कर देना है और ये वाला सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है वीडियो, और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों आपको फर्स्टर में यहाँ पे लाइस्टर में मेरे ऑडियो के बराबर वीडियो को रख देना है। अब मुझे फर्स्टर में आ जाना है। फर्स्टर में आ जाने के बाद दोस्तों वीडियो को ओपन करके दिखाना होगा वीडियो कैसे बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो उसी प्रकार से बन चुका है वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस आपको सिंपली से वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्टिंग कर लेना है।